कल यानी 25 दिसंबर को जब पूरा देश रात के समय क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट करने में मग्न था, उसी समय ठीक रात के 9:38 पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक ट्वीट किया। पीएमओ की तरफ से इस ट्वीट में कहा गया कि 15 मिनट के अंदर पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। लोगों ने पीएम के संबोधन को लेकर अलग अलग कयास लगाना शुरू कर दिया। 15 मिनट का समय खत्म हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर आए और एक बड़ा ऐलान कर दिया। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन को शुरू किया जाएगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही स्कूल कॉलेज जा रहे बच्चे और उनके माता पिताओं की चिंताओं को भी कुछ हद तक कम करेगा। यह हम आपको बता दें कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने ये फैसला किया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज भी दी जाएगी। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन से की जाएगी। वहीं 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं, तो वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या करीब 3 करोड़ है और 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के करीब 11 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। यानी कि कुल मिलाकर पीएम मोदी के इस ऐलान से देश के करीब 22 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स है, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं, इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है, तो हम आपसे इस वीडियो में भी अपील करेंगे कि आप वैक्सीन की डोज लें, अपने आप को और अपने पूरे परिवार को इस खतरनाक कोरोना महामारी से सुरक्षित आप रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.